गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ कोमल यादव फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, सिरवातपुरा सरकार यूनिवर्सिटी। नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट बेसिक्स ऑफ सी लैंग्वेज। बिफोर वी कैन बिगिन टू राइट सीरियस प्रोग्राम्स इन सी, इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू फाइंड आउट व्हाट रियली इन सी, हाउ इट कम इन टू एग्जिस्टेंस एंड हाउ इट डज इट कंपेयर विद अदर्स कंप्यूटर लैंग्वेज। इन दिस चैप्टर वी वुड ब्रीफली आउटलाइन दिस इशूज। लेट अस स्टार्ट। व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? जैसा कि आप सभी को पता है, लैंग्वेज एक माध्यम होता है कम्युनिकेशन का। कहीं भी दो लोगों के बीच में अपनी जो भी विचार हैं उसे हम क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। ठीक इसी तरह भी कंप्यूटर में ऐसी बहुत सारी कई भाषाएं होती हैं जो ज़रूरत के हिसाब से आगे विकसित होते गए और वो आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करते गए। तो आप सभी जानते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, तो वो स्वयं से अपना माइंड सेट नहीं कर सकता, वो यूज़र्स के द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन पर वर्क करता है। तो इस हिसाब से हम भाषा को या जो आपके लैंग्वेज हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानने से पहले हम जो लैंग्वेज हैं उनको जान लें, वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो कंप्यूटर मुख्यतः एक ही भाषा यानी कि मशीनरी भाषा को ही समझता है कंप्यूटर। फिर मोटे तौर पर यदि हम कंप्यूटर को भाषा को यदि हम देखें तो उन्हें मुख्यतः तीन भागों में बांटते हैं, जो कि आप जानते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, जिसमें ऐसा सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम होता है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम कोड्स को मशीनी भाषा के, जिसे बोल सकते हैं लो लेवल कोर्स, में कन्वर्ट करने का काम करता है, जो कि कंप्यूटर उसे समझता है, एक्सेप्ट करता है। वैसे ही यदि हम लो लेवल लैंग्वेज की बात करें, या फिर इसे हम मशीन लैंग्वेज भी कह सकते हैं, यह बाइनरी कोड में होती है। इसके साथ साथ ही भाषा केवल वे ही लोग उपयोग में ले सकते हैं जो कंप्यूटर की सारी इंटरनल जो आपका कॉन्फ़िगरेशन है उसे जानते हैं। साथ में इसमें इस भाषा में जो भी प्रोग्राम लिखे हुए हैं वो कंप्यूटर पर ही चलते हैं। तो एक प्रकार की बहुत कठिन सी भाषा होती है जिसे हम लो लेवल लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज कहते हैं। फिर हम नेक्स्ट में यदि जाते हैं मिडिल लेवल लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज, तो ये क्या होता है, सामान्यतः हम जो इंग्लिश यूज़ करते हैं अपने वर्ड्स में, प्रोग्राम्स में लिखते हैं इंग्लिश वर्ड्स में, प्रोग्राम्स में, वो क्या करते हैं कि मशीनी भाषा में उसे कन्वर्ट करके एज अ असेंबलर होता है। इसमें असेंबलर की हेल्प से क्या करता है, वो जो सामान्य अंग्रेजी के शब्द होते हैं मशीनी भाषा में बदलने का काम करता है ताकि कंप्यूटर उसे समझ सकें। तो इस भाषा में प्रोग्राम बना ले, प्रोग्रामर को कंप्यूटर हार्डवेयर का जानकारी भी होना अनिवार्य है कि वो प्रोग्राम भी है उस प्रकार रन करते हैं जो उसी में लिखा रहता है। और अंतिम में हम यदि लैंग्वेज की बात करें तो हाई लेवल लैंग्वेज, ये अभी के टाइम पे उपयोग होने वाली बहुत ही उपयोगीपूर्ण भाषा है। ये भाषाएँ इतनी सरल होती हैं कि सामान्य कोई भी व्यक्ति इसमें कोई भी प्रोग्राम बना सकता है। उनके सारे कोड्स जो रहते हैं वो इंग्लिश में लिखे जाते हैं और साथ में एक कंपाइलर होता है जो कि सीधा प्रोग्राम को कंप्यूटर के अकॉर्डिंग मशीनरी कोड में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। अब जैसे कि आप समझ पा रहे हैं स्क्रीन जैसे आप दिख कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ कमांड्स इंस्ट्रक्शन एंड ओनली सिंटैक्स यूज्ड टू क्रिएट अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप क्या कर सकते हैं, एक सेट कमांड्स का सेट हो सकता है, इंस्ट्रक्शन हो जाते हैं बहुत सारे, जो आपके प्रोग्राम्स के जितने भी आपके कॉम्बिनेशन है वो सारी चीज़ों को आप क्या कर सकते हो, उसमें वर्क कर सकते हो। लैंग्वेज दैट प्रोग्रामर यूज टू राइट आर कॉल्ड हाई लेवल लैंग्वेज, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस किया था। नेक्स्ट करते हैं, जो अभी हम कंटिन्यू किए, लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है। तो लो लेवल लैंग्वेज में क्या है, इट इंक्लूड असेंबली एंड मशीन लैंग्वेज ऑल्सो। हाई लेवल लैंग्वेज के कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर, सी, सी प्लस प्लस, जावा, पर्ल एंड PHP एक्सेट्रा। अब आगे हम सी लैंग्वेज के बारे में पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि असेंबलर क्या होता है, कंपाइलर क्या होता है या इंटरप्रेटर क्या होता है। तो असेंबलर क्या होता है, असेंबली लैंग्वेज या मिडिल लेवल लैंग्वेज में जो भी प्रोग्राम्स को मशीनी भाषा में बदलने का जो काम करता है वो कौन करता है, असेंबलर करता है। यह कि इस प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो किसी टेक्स्ट फाइल में लिखे गए बहुत सारे जो असेंबली कोड्स होते हैं उसे कंप्यूटर की मशीनरी भाषा में कन्वर्ट करता है ताकि कंप्यूटर के CPU में वो प्रोसेस हो सके और कंप्यूटर उसे आसानी से समझ सके। कंप्यूटर का जो CPU है उन कन्वर्टेड कोड्स को समझता है, फिर उसे हमारे अकॉर्डिंग रिजल्ट के तौर पे हमें वो क्या करता है, प्रोवाइड करता है। उसी तरह कंपाइलर क्या होता है, ये भी हाई लेवल प्रोग्राम के कोड्स होते हैं जो मशीन भाषा में बदलने का काम करते हैं, लेकिन दोनों के काम करने के तरीके अलग अलग हैं, कंपाइलर और इंटरप्रेटर के। कंपाइलर में क्या होता है, कंपाइलर में पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में मशीन भाषा में बदल देते हैं। इसमें सभी एरर्स और को डिबग करने के बाद जो हमारे एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम्स फाइल होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं, जो कि मशीन लैंग्वेज कोड को फाइल होती है। इस मशीन लैंग्वेज कोड फाइल को फिर से कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं होती। जबकि इंटरप्रेटर में क्या होता है, इसमें
प्रोग्राम की हर लाइन को हर बार मशीनरी कोड में बदलता है, मतलब ये लाइन वाइज होता है और वो डायरेक्ट क्या होता है कंपाइलर में वो एक ही बार में हो जाता है। तो इंटरप्रेटर में क्या होता है, जो आपके इंटरप्रेटेड प्रोग्राम्स होते हैं उसे हर बार रन करने के लिए एक इंटरप्रेट करना जरूरी होता है। HTML कोड फाइल हो गया इंटरप्रेटेड प्रोग्राम का एक उदाहरण है, जिसमें हर बार रन होने के लिए वेब ब्राउज़र इंटरप्रेटर की ज़रूरत होती है। अब सी के बारे में हम समझ लें कि सी होता है क्या है। सी इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड बाय AT&T बेल्स लेबोरेटरीज ऑफ USA इन 1972। इट वॉज डिजाइंड एंड रिटन बाई अ मैन नेम्ड डेनिस रिची इन द लेट 1700s CE टू रिप्लेस द मोर फेमिलियर लैंग्वेज सो दैट द टाइम एल्गोल एक्सेट्रा नो वन पुश्ड सी इज वॉजेंट मेड द ऑफिशियल बेल लैब्स लैंग्वेज थस विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट सी रिपुटेशन स्प्रेड इट्स पूल ऑफ यूजर्स ग्रेव पॉसिबली वाई सी सीम्स टू सो पॉपुलर इज बिकॉज इट इज़ अ रिलायबल सिंपल एंड ईजी टू यूज मोर एवर इन एन इंडस्ट्री वेयर newer language tools technologies emerge and vanish day in the day of a language that has survived for more than 3 decades has to be really good it is a general purpose and a structured programming language now an open